हेलो दोस्तों, आज गणपति जी का हमारे घर में दूसरा दिन है। आज हम बनाएंगे आटे की बर्फी। इसके लिए हमने 2 कप आटा लिया है। 2 कप आटे को हम एक कढ़ाई में लेंगे और इसको भूनेंगे। इसको इतनी देर भूनना है कि इसका कच्चापन निकल जाए। अगर आपको ब्राउन कलर की बर्फी चाहिए हो तो आप आटे को ज़्यादा भून लेंगे, लेकिन कम ब्राउन चाहिए है तो आप थोड़ा कम भूनेंगे आटे को। आटे को हमने 4 से 5 मिनट भून लिया है, जिससे इसका हल्का हल्का कलर बदलने लगा है। अब हम इसमें घी डालेंगे। घी लगभग 3 से 4 टेबल स्पून, लगभग 50 ग्राम के आसपास लिया है हमने। 50 ग्राम तो थोड़ा ज़्यादा ही होगा। फिर हम घी को अच्छे से मिक्स करेंगे आटे में। धीरे धीरे करके घी डालना है। थोड़ा सा हमने डाल दिया, थोड़ा हम और डालेंगे अभी घी। हमने 50 ग्राम से थोड़ा ऊपर ही घी लिया है। घी को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हुए आटे को अच्छा भून लेंगे। हमारा आटा ब्राउन कलर का हो गया। अब हम इसमें दूध डालेंगे। दूध डाल के आटे को तुरंत चलाना है, नहीं तो आटे में गुठलियाँ पड़ जाएंगी। 2 कप दूध डाल दिया हमने। अब 1 कप दूध हम बाद में डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करके। इसको काफ़ी अच्छे से मिक्स करना है, नहीं तो आटे में बहुत जल्दी गुठलियाँ पड़ती हैं। में 1 कप दूध और डाल दिया हमने। और अब हम शक्कर भी इसी टाइम पे डालेंगे। इसको मिक्स करते हुए लगभग 1 कप और उस 1 कप के बाद 2-3 चम्मच एक्स्ट्रा शक्कर, क्योंकि 2 कप आटा है तो 1 कप शक्कर सफिशियंट होगी। हमने 1 कप से 2-3 चम्मच एक्स्ट्रा ही लिया है। 1 कप के आसपास शक्कर मिक्स कर दी हमने इसमें। अब इसे अच्छे से मिलाते हुए हम भूनने देंगे। अभी हमारा आटा कढ़ाई पे चिपकेगा, लेकिन जब बहुत अच्छी तरीके से भुन जाएगा तो ये कढ़ाई को पूरी तरीके से छोड़ देगा। जब ये कढ़ाई को पूरी तरीके से छोड़ देगा, इसका मतलब है हमारी बर्फ़ी के लिए आटा अच्छे से तैयार हो गया है। अब देखिए, धीरे धीरे इसने कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया है। अभी भी हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएंगे। हमारा बहुत ही अच्छे से भुन गया आटा। अब आप देखेंगे इसने पूरी तरीके से कढ़ाई को छोड़ दिया है, तो ये बर्फ़ी बनने के लिए तैयार हो गया है। अभी हम इस स्टेज के बाद भी 2 मिनट तक और भून लेंगे आटे को। जैसे हम आटे का हलवा बनाते हैं, हमें उसी तरह पूरी तरीके से बनाना है। पर हम आटे के हलवे में थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं, पर इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं लेंगे, सिर्फ दूध ही डालेंगे, क्योंकि हम बर्फ़ी में थोड़ा सा खोवे जैसा स्वाद चाहते हैं। इसलिए अभी बहुत अच्छे से भून गया है। हम फ्लेम को अब बंद कर देंगे और आटे को 2 मिनट तक और चलाएंगे, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है। अब हम एक प्लेट लेंगे, इसमें हम घी लगा देंगे। घी को काफ़ी अच्छे से लगाना है, जिससे प्लेट में हमारा मिक्सचर चिपकेगा नहीं। इसके बाद हम अपने आटे की बर्फी को प्लेट में अच्छे से रख देंगे और दबाते हुए रखेंगे, जिससे इसका शेप अच्छा बन जाए, बर्फी की तरह हम शेप दे पाए। हमने आटे को इसमें रख दिया। अब हम इसको अच्छे से बराबर करते हुए दबा देंगे। अब हमें जो भी ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, मेवा, उसमें हमने काजू, बादाम और थोड़ा सा पिस्ता लिया हुआ है, इसको बर्फ़ी पे अच्छे से डाल देंगे और इसको स्पैचुला की मदद से दबा देंगे, जिससे सारे ड्राई फ्रूट्स उसमें चिपक जाए। अब इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे और थोड़ी देर बाद इसको हम चाकू की सहायता से काट लेंगे। हमको जितना भी बड़ा पीस रखना है हम उस हिसाब से काट सकते हैं।
पर हमें प्रसाद में रखना है, इसलिए हमने छोटे छोटे पीस काटे हैं इसके। हाँ इसी के साथ हमारी बर्फी बन के तैयार हो गई है। आज गणपति जी को दूसरे दिन हम बर्फी का भोग लगाएंगे। सुबह हमने केले का प्रसाद लगाया था, शाम को हम बर्फी का भोग लगाएंगे। इसी के साथ हमारी बर्फी तैयार है। और भी रेसिपीज़ के लिए आप चैनल को लाइक ज़रूर करें।